शैम्पू में सिर्फ 2 से 3 चीजों को मिलाकर आप भी अपने बालों की लंबाई को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसा रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आप अपने बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ा सकते हैं, बालों को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बना सकते हैं। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, डैमेज हो गए हैं, बिल्कुल भी बालों में जान ही नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा रेमेडी है और इसे लगाने के बाद आप देखेंगे कि बालों की लंबाई तेजी से बढ़ तो रही है, साथ ही साथ बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जा रहा है, मतलब कि बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जा रहे हैं, बालों में अच्छा सा सिल्कीनेस आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बस आपको इसे शैम्पू में मिला करके लगाना है और शैम्पू में मिला करके लगा करके फिर प्लेन वाटर से इसे अपने बालों को धो लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये यकीन रखना होगा, ये विश्वास रखना होगा कि हाँ ये रेमेडी हमारे लिए असरदार होगा, ऐसा आपको विश्वास रख के उसके बाद यूज करना है। जैसा आप विश्वास रखेंगे वैसे ही आपके बालों पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको कोई भी क्लीन बाउल ले लेना है, इस पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल से हमारे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, लंबे समय तक बाल हाइड्रेटेड रहते हैं। जिनके बाल डिहाइड्रेटेड रहते हैं उनके बाल बहुत जल्दी जल्दी रफ हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बाल बीच में से टूटना शुरू हो जाते हैं और बाल एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लेना है, मार्केट बेस्ड जो डब्बा में आते हैं ना वही एलोवेरा जेल लेना है। इस पर आपको डालना है 3 से 4 बूंद के करीब नारियल का तेल। और अब हमें यहाँ पर डाल देना है कोई भी शैम्पू जो आप यूज करते हैं, जो डेली आप यूज करते हैं वही शैम्पू आप ले लीजिए एंड पूरा 1 सेसे यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। नारियल तेल के जगह में आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। जैतून का तेल का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये सारे गुडनेस को, जितना भी प्रॉपर्टी होता है, जितना भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, वो सारे ही गुडनेस को स्कैल्प के डीप लेयर तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे आपके बाल बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को मिल जाता है और आपके बालों में अच्छा सा असर देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अब इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इस बॉल को साइड में रख देंगे एंड अलग एक बर्तन में हम 1 गिलास के करीब पानी लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा, सुना भी होगा एंड शायद यूज भी किया होगा। चाय पत्ती में कैफीन होता है जो हमारे सफेद हो चुके बालों को वापस काला बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काले बनाए रखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बे लीफ तेजपत्ता। तेजपत्ता से भी हमारे बाल बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं और बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाने में ये हेल्प करता है, बहुत तेजी से हमारे बालों को बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड, और बाल अगर झड़ रहे हैं तो बे लीफ का यूज करके आप अपने बालों को झड़ने से भी रोक सकते हैं। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, अगर सिर्फ बे लीफ को उबाल करके पानी को ठंडा करके अपने बालों पर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि बालों का झड़ना एकदम कम हो गया है, ये इतना ज्यादा असरदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 3 से 4 बे लीफ यूज डालने के बाद इसे अच्छे से उबालना है। आप इसे हाई फ्लेम पर भी उबाल सकते हैं, लो फ्लेम पर भी उबाल सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो वैसा आप इसे बना सकते हैं। बस जब ये पानी का कलर बिल्कुल डार्क हो जाए उसके बाद आपको बर्नर ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, ये जो हम पानी बना करके तैयार कर रहे हैं इसे आप सीरम के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसे लगाने के बाद आपको बालों को धोना जरूरी है, क्योंकि इस पर हम चाय पत्ती भी डाले हैं इसलिए बालों को धोना तो जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे धीरे धीरे उबाल रही हूँ एंड फ्रेंड्स, चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा असरदार होता है, अच्छा सा कलर भी देने का काम करता है, बालों की लंबाई को बढ़ाने का भी काम करता है। तो जब ये पानी अच्छे से उबल जाए, पानी का कलर एकदम डार्क हो जाए, उसके बाद बर्नर ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, कई बार हम मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट्स ले आते हैं अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए कि हमें उसका उल्टा ही रिजल्ट मिलने लग जाता है, बाल और ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, बाल और भी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। कई सारे ऐसे शैम्पू भी हैं जिसे हम यूज करना शुरू तो करते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा रिजल्ट मिलता है बट फिर बाद में हमारे बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, बालों का झड़ना बढ़ जाता है। तो वो सारे शैम्पूज को आप यूज करना बंद कर दीजिए। जो नॉर्मल शैम्पू आप यूज करते हैं उस शैम्पू में ये जो लिक्विड है इसे मिक्स करके एलोवेरा जेल और नारियल तेल मिक्स करके बना लीजिए और यूज करना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, बर्नर ऑफ करने के बाद ये जो लिक्विड है इसे छान करके आपको इस शैम्पू में मिक्स करना है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को अच्छे से चला लेना है, ये झाग भी अच्छे से बन जाएगा और ये जो शैम्पू है ये हमारा यूज करने के लिए तैयार है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पानी है ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आपको अपने स्कैल्प में इसे अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमारा शैम्पू बन करके तैयार हो गया है। और ये जो शैम्पू है ये इतना ज्यादा असरदार होगा, इतना इफेक्टिव होगा, बालों का झड़ना एकदम बंद कर देगा, बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स जाइए इस रेमेडी को यूज करना शुरू कीजिए। बस जितना दिन आप वीक में जितना दिन हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते टाइम इस शैम्पू का यूज करना शुरू कीजिए। उसके बाद बालों का जो इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे ना, देखकर सॉफ्ट रह जाएंगे। यार इतना अच्छा रिजल्ट एक होम रेमेडी से कैसे मिल सकता है, आप खुद ही ये सोच करके सॉफ्ट रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स जाइए यूज कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।